हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद मी। टुडे वी लर्न एंगर रिलेटेड सेंटेंसेस जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही काम आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फर्स्ट सेंटेंसेस, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। गो टू हेल, भाड़ में जाओ। गो टू हेल यानी भाड़ में जाओ। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वी हैव सेटल द मैटर, हम मामला सुलझा लिया, हमने मामला सुलझा लिया। तो वी हैव सेटल द मैटर, सेटल मीन्स सुलझाना, मैटर यानी मामला। वी हैव सेटल द मैटर, हमने मामला सुलझा लिया। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आई डोंट मतलब तुमसे बात, वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। आर यू किडिंग मी, क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ। आर यू किडिंग मी, क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। आर यू किडिंग मी। हु डू यू थिंक यू आर, खुद को समझते क्या हो, मतलब हु डू यू थिंक यू आर, मतलब तुम अपने आप को समझते क्या हो। हु डू यू थिंक यू आर, तुम अपने आप को समझते क्या हो या खुद को समझते क्या हो। इट्स नो यूज टू गिव वैन टू एंगर, गुस्सा करना बेकार है। वैन टू एंगर मतलब गुस्सा करना बेकार है। इट्स नो यूज टू गिव वैन टू एंगर, वैन टू एंगर, इट्स नो यूज टू वैन टू एंगर मतलब गुस्सा करना बेकार है। वॉच योर माउथ, जबान संभाल के। वॉच योर माउथ, जबान संभाल के मतलब बोले जा रहा है ना आप, तो उसके कहते हैं वॉच योर माउथ मतलब जबान संभाल के, सोच समझ कर बोले यानी वॉच योर माउथ। You are not listening to me, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। You are not listening to me मतलब मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, मैं कही जा रही हूँ। You are not listening to me, you are not listening to me, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। I will smash your face, मैं तुम थोबड़ा तोड़ दूँगी तेरा। I will smash your face, I will smash your face, smash means तोड़ दूँगी, your face तुम्हारा चेहरा। कॉल स्पैड अ स्पैड, जो कहना है साफ साफ कहो। स्पैड अ स्पैड में साफ साफ कहना। कॉल अ कॉल स्पैड अ स्पैड मतलब साफ साफ कहो। मेरा सिर मत खाओ, डोंट नैग मी, मेरा सिर मत खाओ, डोंट नैग मी मतलब मुझे परेशान मत करो, तो डोंट नैग मी मेरा सिर मत खाओ। इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग, ये तुम्हारी गलत फहमी है। इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग, ये तुम्हारी गलत फहमी है। इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स गलत फहमी। इट्स योर ये तुम्हारी। डोंट अंडरएस्टिमेट मी, मुझे कम मत समझना या मुझे कम मत आंकना, तो डोंट अंडरएस्टिमेट मी। डोंट अंडरएस्टिमेट मी मतलब कम मत समझना, अंडरएस्टिमेट मी। डोंट लूज योर टेम्पर, गुस्सा मत करो। डोंट लूज योर टेम्पर, गुस्सा मत करो मतलब अपना आपा मत खो यानी डोंट लूज योर टेम्पर। शी डोंट मेक मी एंग्री, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। शी डोंट मेक मी एंग्री, शी मीन्स देखो, डोंट मेक मी एंग्री मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ही बॉटल्ड हिज एंगर एट द मोमेंट, उसे समय तो वह गुस्सा पी गया। बॉटल ही बॉटल हिज एंगर यानी उस समय तो वह गुस्सा पी गया। एट द मोमेंट उस समय, ही बॉटल हिज एंगर एट द मोमेंट उस समय तो वह गुस्सा पी गया। डिड ही गेट वेरी एंग्री विद यू, क्या वे तुम पर बहुत गुस्सा हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। तो ही डिड गेट वेरी एंग्री विद यू, विद यू मतलब तुम पर। ही डिड गेट वेरी एंग्री विद यू। He spoke angrily, get out, वे क्रोधित होकर बोला निकल जाओ मतलब get out means निकल जाओ। He spoke angrily यानी क्रोधित होकर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में, angrily मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में। Your wife is very hot tempered, तुम्हारी पत्नी बड़ी गुस्सैल है मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है यानी hot tempered, very hot tempered। Your wife तुम्हारी पत्नी। Your wife is very hot tempered, your wife is वेरी हॉट टेम्पर तुम्हारी पत्नी बड़ी गुस्सैल है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा। वाई आर यू क्रॉस विद मी फ्रेंड,
मुझसे गुस्सा क्यों करते हो यार? Why are you cross with me, friend? मुझसे गुस्सा क्यों करते हो यार? गुस्सा यहाँ पर क्रॉस मतलब कि लिमिट। Why are you cross with me, friend? मुझसे गुस्सा क्यों करते हो यार? You are a cunning fellow, बड़े चतुर बड़े चलते पुरजे हो। You are the cunning fellow, बड़े चलते पुरजे हो, बड़े चलते पुरजे हो। कनिंग फैलो यानी चलते पुरजे, यानी कि बहुत ज़्यादा चतुर। तो यू आर अ कनिंग फैलो। बकवास बंद करो, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। बकवास यानी नॉनसेंस, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास बंद करो, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। ये स्टॉप ये पिंग। आई नो ऑल योर मिस डीड्स, मुझे तुम्हारी करतूतें सब पता हैं। आई नो ऑल योर मिस डीड्स, मिस डीड्स मीन्स करतूतें। आई नो ऑल योर मिस डीड्स, मुझे तुम्हारी सारी करतूतें पता हैं। आर यू इन योर सेंसेस, क्या तुम अपने होश में हो? सेंस मीन्स होश। आर यू इन योर सेंसेस, क्या तुम अपने होश में हो? आर यू इन योर सेंसेस, क्या तुम अपने होश में हो? वट द हेल, ये क्या बदतमीजी है? वट द हेल, ये क्या बदतमीजी है? हेल मीन्स बदतमीजी। वट द हेल, ये क्या बदतमीजी है? वट द हेल। हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत। हाउ कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। एंग्री मीन्स गुस्सा, एंग्री गुस्सा। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। थोबड़ा तोड़ दूंगी तेरा, आई विल स्मैश योर फेस। स्मैश यानी थोबड़ा मतलब तोड़ने को कहने हैं। आई विल स्मैश योर फेस, थोबड़ा तोड़ दूंगी तेरा या थोबड़ा तोड़ दूंगी तुम्हारा, तो आई विल स्मैश योर फेस। What's wrong have I done, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? What's wrong have I done, What's wrong I have done, मतलब मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है हम पूछ रहे हैं। What's wrong I have done, wrong means बिगाड़ना है। What's have I have done, खानदानी पागल है तू यानी bloody fool। खानदानी पागल को कहते हैं bloody fool, खानदानी पागल bloody fool। Don't interfere in my life, मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। Don't interfere in my life, interfere means दखल देना, interfere दखल देना। और don't interfere in my life यानी मेरी ज़िंदगी में दखल मत दो। फ्रेंड्स, अगर मेरी आपको उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का प्रॉफिट हो सके। और इसमें वीडियो में कोई भी गलती है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।